मध्य प्रदेश का आदिवासी बाहुल्य जिला मंडला में नारी शक्ति महिला को सशक्त बनाने व न्याय दिलाने के लिए चार ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का शुभारंभ किया गया। कोतवाली मंडला परिसर में ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन मंडला जिले के पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत के द्वारा किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गजेंद्र सिंह कंवर, SDOP नीरज कुमार, कोतवाली थाना प्रभारी नीलेश धौरे व पुलिस विभाग कमला एवं महिला सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। नव निर्मित संचालित ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की कमान प्रभारी के रूप में श्रीमती मधु मेरावी को सौंपी गई और श्रीमती मेरावी की सहयोगी के रूप में प्रधान आरक्षक विभाग खान, प्रधान आरक्षक महावती मरावी और महिला आरक्षक ज्योति व्याम व अन्य तीन महिला आरक्षक को पदस्थ किया गया है। निश्चित रूप से ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत होने से महिलाओं के ऊपर हो रहे घरेलू हिंसा अत्याचार के खिलाफ नारी शक्तियों को न्याय मिलेगा और किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के साथ शोषण अत्याचार की खबरें अक्सर टीवी चैनलों व अखबारों में देखने और पढ़ने को मिलती है। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत करने से काफी हद तक महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मंडला जिले के मंडला कोतवाली के अलावा पुलिस थाना महाराजपुर, पुलिस थाना बमहनी बंजर और पुलिस थाना नैनपुर में भी ऊर्जा महिला हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए मंडला से प्रदीप दुबे की रिपोर्ट।